है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स मी महक रुबाब कादरी सेइंग हेलो टू यू ऑल। तो जनाब, आज हम ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल करने वाले हैं। ये बेसिक, सिंपल, स्वीट और रोमांटिक मेकअप ट्यूटोरियल है जो कि आप किसी भी इवेंट और किसी भी तरह के जो है ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो इजीली। सो आज हम यही देखने और सीखने वाले हैं। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनके ओपन पोर्स होते हैं। अगर ओपन पोर्स नहीं भी हैं तभी प्राइमर यूज़ किया कीजिए, ताकि ये आपके जो है फेस को मेकअप से बचा कर रखे और आपकी जो है फाउंडेशन एप्लीकेशन को फ्लॉलेस बना सके। प्राइमर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपका फाउंडेशन जो है स्लिपरी हो जाएगा, अच्छे से सेट नहीं होगा। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डर्माकोल मेकअप कवर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है। इसकी थोड़ी सी जो है क्वांटिटी आपके फुल फेस को बहुत अच्छा कवरेज देती है। लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन है ये, 10 से 12 घंटे तक कहीं भी नहीं जाता है और लॉन्ग लास्ट रहता है और बहुत अच्छी कवरेज देता है। सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो काइंडली आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छे से पहले मैं डॉट लगाती हूँ, फिर उसके बाद अपने फ्लैट एफ कबूकी F80 ब्रश से जो है ब्लेंड करती हूँ, ताकि मेरा जो है फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन से इतनी अच्छी कवरेज हो गई है, तो मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। उसके लिए मैं बुटायर की स्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिटिल बिट थोड़ा सा हाईलाइटर लेंगे और हमारे जो है डार्क सर्कल्स को कवर करेंगे, एंड दैट्स इट। हमारा जो है फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं और रिक्वायर्ड हो हाईलाइट करना हो टी जोन एरिया, तो इसे आप कर सकते हो, अदरवाइज मुझे तो नीड नहीं है। ब्लश मैं लगा रही हूँ लिक्विड ब्लश। ये O2O का ब्लश है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कवरेज देता है, बहुत पिगमेंटेड है। तो मैं जो है एक डॉट लूँगी, लेकिन वो एक ड्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे फेस के लिए। तो पहले मैं जो है इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी, एंड देन फिर फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड या उसके बाद हम सब हर चीज़ को जो है पाउडर से सेट कर देंगे। जे डॉट का फेस पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। फ्लफ़ी ब्रश से थोड़ा सा पाउडर लेंगे और पूरे फेस को जो है अच्छे से सेट कर देंगे, कवर कर देंगे। सर्दियाँ हैं तो इतना ज़्यादा जो है चिपचिपा नहीं है, लेकिन गर्मियों में जो है आपको बहुत अच्छे से सेट करना होगा, ताकि आपका फाउंडेशन ग्रीसी ना हो और अच्छा सा लॉन्ग लास्ट रहे। आईब्राउ सेट करेंगे, उसके लिए मैं जो है ब्राउन पाउडर यूज़ कर रही हूँ और आर्च ब्रश से जो है अपना जो ब्राउज़ का शेप है उसी को फिल कर रही हूँ। ज़्यादा मैं जो है ब्राउज़ सेट नहीं करती हूँ, जो मेरा ब्राउज़ का शेप है उसी में रहकर जो है उसको फिल कर देती हूँ। अगर आपके ब्राउज़ बहुत पतले हैं तो आप जो है अपना ब्राउ जेल यूज़ करके थोड़ा जो है डार्कर टोन में अपने ब्राउज़ को लेकर आ सकती हैं। ऐसे ही दूसरा ब्राउ भी हम जो है सेट कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला किया है। अब बारी आती है आई शेडो की। आई शेडो के लिए मैं जो है फोकलूर की सनराइज़ पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत बेहतरीन आई शेडो पैलेट है उन लोगों के लिए जो कि जो है सबल और सॉफ्ट आई मेकअप प्रेफर करते हैं। सबसे पहले जो है मैं ये वाला ब्राउनिश शेड यूज़ करूँगी और इससे जो है हमारा क्रीज को बिल्डअप करूँगी और आई का शेप जो है इन्हेंस करूँगी। आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर से लेकर जो है सारा मैं इसमें स्मोक बिल्ड करूँगी, और इसके बाद फिर जो है मैं ये वाला शेड लूँगी। ये थोड़ा पर्पल शेड है, लेकिन ये जब दोनों मिलेंगे तो थोड़ा सा जो है डीप मरून काइंड ऑफ अ शेड नज़र आएगा। सो इससे भी जो है मैं वही चीज़ करूँगी जो मैंने पहले की है। आउटर कॉर्नर पर जो है अपना लगाऊँगी और स्मोक को बिल्ड करूँगी और क्रीज को जो है बिल्ड करूँगी। देन इसके बाद ये शिमरी शेड है जो कि पिंकिश और होलोग्राफिक काइंड ऑफ अ शेड है, इसको अपने मेन सॉकेट पर लगाऊंगी। सिर्फ मेन सॉकेट पर नहीं लगाऊंगी, अपने इनर कॉर्नर्स पर भी लगाऊंगी, लोअर लैश पर भी लेकर जाऊंगी और अपनी आधी आई को जो है इसी शेड से कवर करूंगी, ताकि मेरी आंखें जो है उठी हुई और इन्हेंस लगे और आई का शेप जो है अच्छा नज़र आए। सेम ऐसा ही हम दूसरी आँख पर भी करने वाले हैं। अब मैं करूँगी कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैं क्रिस्टाइन की कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ, जो कि वर्ल्ड बेस्ट है, सारे सलॉन्स में यही यूज़ होती है, बेस्ट कॉन्टोर किट है। इसको जो है अच्छे से कॉन्टोर करना है अपने चीक्स को, अपने डबल चिन को, और अपने अगर बड़ा फोरहेड हो तो उसको भी, और मेरी नाक की कॉन्टोर थोड़ी मैं डिफरेंट करती हूँ, तो उंगलियों की मदद से जो है मैं पाउडर लूँगी और अपने नोज़ को जो है कॉन्टोर कर लूँगी ईजी वे में। सो या दैट्स इट, बहुत आसान तरीके से मेरा कॉन्टोर हो गया फेस बिना किसी जतन और मेहनत के।
नाउ आई एम यूजिंग हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं जो है रोमांटिक किट का यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं हाईलाइटर इतना डीप नज़र क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो है सबल हाईलाइटर लगाया है, क्योंकि ये आप दिन में भी मेकअप कैरी कर सकते हो ये वाला, तो इसलिए थोड़ा सा जो है लाइटर शेड में आप लाइटर क्वान्टिटी में जो है हाईलाइटर लगाएंगे। अगर आप नाइट टाइम के लिए मेकअप कर रहे हो तो आप हाईलाइटर जो है ज़्यादा लगाओगे। फिलहाल मैं जो है सबल क्वान्टिटी में लगा रही हूँ अपने चीक बोन्स पर, नोज़ पर और अपने चिन पर और अपने थोड़ा सा फोरहेड पर भी, ताकि जो है ग्लोई और जो है खूबसूरत सा मेरा फेस लग सके। आई के अंदर मैं जो है सिग्मा ब्यूटी की शिमर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो काजल भी यूज़ कर सकती हैं, बट आई एम यूजिंग शिमर स्टिक बिकॉज आई वॉन्ट दैट लाइटर टोन मेकअप लुक। सो या नाउ आई एम यूजिंग मस्कारा। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ जे डॉट का। ओ माई गॉड, दिस मस्कारा इज़ सुपर सुपर अमेजिंग। ये जो है एक ही कोट में आपके लैशेज को बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज करता है, बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता है। यू कैन सी द डिफरेंस। आप इसको जो है एक कोट लगाएंगे और उसके बाद दूसरा कोट ड्राई होने के बाद लगाएंगे तो आपकी लैशेज़ वल्ला हबीबी ऐसी लगेगी जैसे आपने फॉल्सीज लगाई हैं। फॉल्सीज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरी आँखें बहुत जो है सेंसिटिव हो गई हैं। सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट मस्कारा। आप चाहें तो लैशेज़ लगा सकती हैं। ओके नाउ आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं जो है ये कॉस्मिक की यूज़ कर रही हूँ। शेड वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये लिपस्टिक लगाने के बाद ना मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है मेकअप मेरा वॉश्ड आउट लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्कर टोन में लेके जाऊँगी और इसलिए मैं इसके लिए जे डॉट की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्स्चर है तो इससे जो है मेरा लिपस्टिक का शेड थोड़ा डिफरेंट और डार्कर टोन में हो जाएगा। तो आई थिंक दिस लुक इज़ लुकिंग गुड। सो या दैट इज़ द वीडियो, दैट इज़ द लुक। थोड़ा सा जो है एयरिंग वगैरह पहनेंगे खूबसूरत से, रोमांटिक से, ताकि हमारा लुक जो है प्यारा सा लग सके। बालों को सेट करेंगे और दैट्स इट। दिस इज़ द लुक। ये है सॉफ्ट मेकअप ट्यूटोरियल, इसको रोमांटिक मेकअप ट्यूटोरियल भी कहेंगे। यू कैन गो ये मेकअप वेयर करके आप डे टाइम में भी जा सकते हो, नाइट टाइम में भी जा सकते हो। सो या That was the video, that was the look. I hope you liked it. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो make sure to subscribe my YouTube channel. वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज मेहरूबा आपका आदरी सिंगल ऑफ थ्री। ऑल दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।